आज की इस वीडियो में सोलर का प्रोडक्शन चेक करने या फिर किसी भी प्रकार की बैटरी का कैपेसिटी टेस्ट करने के लिए हम एक डिजिटल मीटर बनाने वाले हैं, जिसके अंदर यूनिट, वॉट, वोल्ट सारी चीज़ें आपको एक ही मीटर के अंदर पता चलेगी। साथ में टाइमर भी इनबिल्ट है, डिटेलिंग से एक बैटरी की कैपेसिटी वगैरह टेस्टिंग कर सकते हो। सो वीडियो को पूरा देखते रहिए एंड लाइव टेस्ट करके भी आपको दिखाएंगे लास्ट में। सो एंजॉय द वीडियो। कुछ दिनों पहले हमने ये वाला एसी मीटर लगाया था, जिसके हम एसी लोड माप सकते हैं अप टू 100 एम्पियर। आज की वीडियो में हम डीसी मीटर बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने मीटर खरीदा है जो कि डीसी 100 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। चलिए इसको खोलकर देखते हैं। इसके अंदर एक मैनुअल मिलता है और साथ में ये वाला मीटर मिलता है जो कि क्लूमा का है, अमेजन से परचेज किया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इसकी सारी वायरिंग है। इसके साथ में एक 100 एम्पियर का शंट मिलता है। ये वाला जो बोर्ड है ये 16 एम्पियर वाला प्लग आता है उसके लिए है, लेकिन ये मीटर इसके अंदर परफेक्टली फिट आ रहा है, थोड़ा बहुत स्पेस बचता है। इस तरीके के चार पकड़ भी हमने परचेस किए हैं। ये हमने 10 स्क्वायर एमएम का वायर लिया है जो कि प्योर कॉपर है। इसका एक फुट का प्राइस है 40 रुपये। तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि इसका कनेक्शन किस प्रकार करना है। ये है आउटपुट वायर और इसको हम रखेंगे डेढ़ फुट लंबा। हो गया दूसरा आउटपुट वायर, लेकिन यहाँ में कटिंग नहीं करना है क्योंकि जो पॉजिटिव साइड है वो तो सीधा ही निकल जाएगा। इससे जो बैटरी की साइड है हम 2 फीट रखेंगे। सो अभी हम यहाँ पर इस प्रकार के जो प्लायर्स है उसको फिट कर देंगे ताकि बैटरी टर्मिनल पर हम लगा सकते हैं इसको। ये हो गया कटिंग, हम थोड़ा सा इसका यूज करेंगे। अभी जो है इसके ऊपर स्लिप चढ़ा देते हैं। फिर थोड़ा सा ये लगाएंगे सॉल्डर में। आई थिंक ये नहीं निकलेगा अभी। इंसर्ट, ये हो गया। ये रहा इसका सेंटर पॉइंट। ये तो हो गए हमारे मेन जो बैटरी साइड में लगेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। ये वाला दोनों तार आउटपुट में पॉजिटिव नेगेटिव लगेंगे। ऐसे करके स्क्रू टाइट करेंगे। अगर आपके पास लग नहीं है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। टाइट हो गया है और अभी जो इनका वायरिंग है वो मैं कर देता हूँ फटाफट। तो इसके साथ जो वायरिंग आया वो कुछ इस प्रकार से है कि जो लोड साइड है वहाँ पर आपको पीला तार लगाना है, जो छोटे तार है वो लोड साइड है। सो ये वाला हो गया लोड साइड, यहाँ में पीला तार लगाना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ पीला तार बाहर आ जाएगा। ये वाला लगेगा बैटरी साइड में। इसको ऐसे बिठा देता हूँ नीचे। तो दोस्तों इसके अंदर जो वायर लॉस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें प्लस और माइनस का तार इसके साथ साथ ही निकालना पड़ेगा छोटे वाला। तो इसमें भी आपको दिखाया गया है कि जो बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव वायर है वो यहाँ से आपको लगाना है। सीधा बैटरी से वायर इसके अंदर जाना चाहिए, उसके बाद में जो शंट वाला तार है वो अलग ही रहना चाहिए। तो या फिर लोड देखिए, बैटरी से लोड में गया और एक बैटरी से इस मीटर में गया। यहाँ पर अगर हम वायर लगाएंगे तो बैटरी से यहाँ तक जो करंट आएगा तो उसमें जो थोड़ा बहुत वायरलेस होगा तो वो ये मीटर कैच नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम सीधे बैटरी से ही मीटर में करंट देंगे ताकि हमें वोल्टेज का पता रहे और उसके बाद में लोड को जैसे चलाएंगे तब एम्पियर आ जाएंगे। सो अभी हम क्या करेंगे, दो वायर यहाँ, एक वायर माइनस का यहाँ से, प्लस का यहाँ से गुजारेंगे जो कि सीधा अंदर तक जाएगा। हमने इस तरीके के पतले वायरों को लिया है और यहाँ पर हम सीधा सोल्डरिंग करेंगे। इस साइड में सोल्डरिंग ना करके इस साइड में किया क्योंकि यहाँ से तो बहुत सारा करंट जाएगा लेकिन यहाँ से नहीं जाएगा, तो हमें एक्यूरेट वोल्टेज का रीडिंग मेजरमेंट पता चलेगा। दोस्तों इतना फिटिंग कर दिया है तो यहाँ सिर्फ हमने वायरिंग करना है और यहाँ से भी हमने दो वायर है वो निकाल दिए थे, आपको दिखाता हूँ। एक वायर को यहाँ पर लगाया है
और दूसरा जो वायर है इसका वो यहाँ लगाया, और जो ये वाला भाग है ये होगा आउटपुट के लिए। ये वाला जो है बोर्ड का ऊपर वाला भाग है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा कटिंग किया हुआ है, और हम इसको कटिंग करेंगे जो फाइबर वाला है, वो मजबूत भी होगा और अपने हिसाब से इसको कटिंग करेंगे। इस तरीके से ये फिट आ जाएगा यहाँ पर हमें मीटर को। अभी इस मीटर के लिए ये वाला हमने कटिंग कर दिया है, तो ये लो वायर इसे लगाएंगे, लगा के इंसर्ट कर देना, छोड़ देने के बाद में लगाएंगे ये वाला ब्लू वायर यहाँ पर आएगा, और ब्लैक बैटरी नेगेटिव तो दबा दिया और ये आ गया। नेक्स्ट है बैटरी पॉजिटिव और इसको भी लगा देंगे, ये आ गया ठीक है। दो जो तार बचे हैं लास्ट में वो वाला अगर हमारा लोड 8 वोल्ट से कम बैटरी चेक करेंगे उसमें लगाएंगे, लेकिन हम इस पर 8 वोल्ट से कम वाली बैटरी अभी तो टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, सो हम इसी के साथ ऐसे ही फिटिंग करने वाले हैं। ये है 12 वोल्ट की बैटरी, इनके तार नहीं लगाने वो हम ध्यान रखेंगे। सो ये पॉजिटिव वायर और ये नेगेटिव वाला वायर है, इसको लगा दिया ऐसे। हमारे पास स्क्रीन आ चुकी है, सो 11.6 वोल्ट आ चुकी है। अभी हम इस पर लोड लगाकर टेस्ट करते हैं कितना 690 मिली एम्पियर और 6.6 वोल्ट जा रहा है, और एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस भी दिखाता है, इसमें रनिंग टाइम है वो भी दिखाता है। तो इस तरीके से हमारा जो मीटर है वो पूरा तैयार हो चुका है। सो अभी हमने एक बैटरी को लगाया है इस मीटर के अंदर, और मीटर से करंट जा रहा है इस यूपीएस में, और जो टोटल पावर कितना कंज्यूम कर रहा है अभी, यूपीएस बंद है तो 0 वोल्ट, अभी करते हैं यूपीएस को चालू। सो लेट्स स्टार्ट, एंड करंट कितना खा रहा है, ओनली 5 वोल्ट का, तो चालू यूपीएस ओनली 5 वोल्ट का करंट खा रहा है अभी। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा लोड लगाकर टेस्ट करते हैं कि लोड के अंदर ये कैसा करंट खाता है और कैसा परफॉर्मेंस देता है। अभी चालू किया एक पंखे को और करंट खा रहा है 57-58 वोल्ट का, और 6.3 एम्पियर का करंट ले रहा है, जो टोटल आप हिस्ट्री है वो देख सकते हो। सो ये कुछ इस प्रकार से हैं। अभी 9 वोल्ट बचा है बैटरी का, आई थिंक ये शट डाउन हो जाएगी जल्दी से ही। अभी आप एक और एग्जांपल देखिए जिसमें मैंने एक लाइट को लगा के टेस्ट किया, 11.8 वोल्ट, 1.26 एम्पियर, 14.9 वाट और 12 वाट आवर की एनर्जी हमने कंज्यूम की है। अभी लाइट है वो जल रही है, अभी बंद हो चुका है, तो इसने टोटल 6.32 एम्पियर का करंट निकाला है 6.5 घंटे में, 6.5 एच का करंट निकाला, इसको कैलकुलेट करें तो 71 वॉट आवर्स होता है। तो दोस्तों अगर आप इस मीटर को ख़रीदना चाहते हो तो इसका परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस मीटर के संबंधित जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके अंदर हम एक 150 एम्पियर की बैटरी को इन्वर्टर पर डिस्चार्ज करके चेक करेंगे कि उसके अंदर कितना कैपेसिटी रहता है और इन्वर्टर का एफिशेंसी कितना रहता है, यानी आउटपुट कितना निकालता है और इनपुट कितना लिया है, सारे डेटा पॉइंट आपको दिखाने वाले हैं। सो बने रहिए इस चैनल के साथ में, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नए आए हो तो बेल आइकन को भी प्रेस करो। थैंक यू वेरी मच।